आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की रेसिपी है सोअर मसूर दाल की सब्ज़ी। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं लगते हैं, तो चलिए हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। हमें एक गड्डी सोवा चाहिए, सोवा की पत्तियाँ इसको हमने बारीक धोकर काट लिया है। और हमें चाहिए एक कप मसूर दाल जिसको हमने धोकर भिगो लिया है। हमें चाहिए दो प्याज स्लाइस में कटे हुए। एक बड़ा टमाटर है, हमने भी इसे मोटे टुकड़ों में काट लिया है, आप चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं। हमें चाहिए होगा तेल कुकिंग के हिसाब से, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। 6 से 7 हरी मिर्च है, इसको हमने बारीक काट लिया है। ये हमने 1/2 टीस्पून हल्दी लिया है और नमक स्वाद अनुसार, नमक अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को गरम करेंगे, इसमें हम तेल गरम करेंगे। तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को थोड़ा सा भून लेंगे, फ्राई करेंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को हल्का सा गोल्डन होने देंगे, चलाते हुए इसे भून लें थोड़ा सा प्याज को। प्याज हमारी थोड़ी सी गोल्डन हो चुकी है। इसमें हम टमाटर डालेंगे और टमाटर के नरम होने तक इसे हम चलाते हुए भून लेंगे। टमाटर हमारा थोड़ा सा नरम हो चुका है, भून गया है, तो इसमें हम हल्दी पाउडर और नमक डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसे चलाते हुए भून लेंगे। अब हम इसमें सोया डालेंगे। इसे थोड़ा सा चला लें। अब इसमें भीगी हुई मसूर दाल डालेंगे। बहुत ही अच्छी बनती है भाजी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे अच्छे चलाते हुए भूने, अच्छी तरीके से मिक्स कर लें इसे। अब इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, हमारी दाल थोड़ी सी नरम हो चुकी है, इसे और चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे, पानी डालने से दाल अच्छे से पक जाएगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे अब ढककर धीमी आंच पे 10 मिनट के लिए पकने देंगे हम इसे। दस मिनट हो चुके हैं, अब हम आंच को तेज़ कर लेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है, सोवा मसूर की सब्ज़ी। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी है। अगर आपको इस सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं ये मसूर दाल की सब्ज़ी आपको कैसी लगी।